नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज पांचवें अध्याय में हम पढ़ेंगे विदुर को। तो पहले की कहानी आपने सुनी ही है, अब विदुर से शुरू करते हैं। विचित्र वीर की रानी अम्बालिका की दासी की कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ था, वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो विदुर का नाम जो है वो धर्मदेव है। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े ही निस्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया था, राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहने कहा मानने से हमारी भलाई, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। राष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। राष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब जानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं? यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो हमने विदुर की जो है बुद्धि की कहानी सुनी और आगे पढ़ेंगे हम लोग कुंती के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे नए वीडियो में कुंती के लिए। वीडियो इसलिए छोटे बना रहे हैं क्योंकि आप किसी एक करेक्टर को अच्छे से पढ़कर समझ पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।